हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोगों की यूनिट 2 फंक्शन चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग करेंगे, देखिए कौन सा टॉपिक, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, x। ठीक है, अब देखिए एज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सजेस्ट्स फॉर ऑल x सच दैट, अब ये जो सारी वैल्यूज हमने ली हैं ये ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ली हैं। ठीक है, तो अगर x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन इक्वल टू -2 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2। तो जिस भी नंबर पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो बना नहीं रहे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का बना रहे हैं, तो ये एक्स की वैल्यू जिसमें भी लेस देन इक्वल टू होगी, तो जब इक्वल टू का साइन जिस वैल्यू पे आएगा वही हमारी एफ एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2 हो गया। इसी तरीके से इस वाले इंटरवल में -2 और -1 वाले इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पे 0, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2। और भी वैल्यूज ले सकते हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 4 इधर ऊपर बढ़ा सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू -3, एफ एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, आपको ग्राफ जो है ड्रॉ करना है, तो जितनी ज्यादा वैल्यूज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, देखने में भी ठीक लगेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ कि बच्चे को आता है इसने, ऐसे नहीं कि एक दो पॉइंट को लेके ही ग्राफ बना दिया, तो वो लगेगा ना किसी से देख के बना दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट। हमने यहाँ पे कितने पॉइंट कर रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 पॉइंट्स के लिए हम बनाएंगे, फिर एक पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बना लेंगे और एक पॉइंट नीचे बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमने थर्ड पॉइंट लिया जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। आप पढ़ चुके हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये स्टेप फंक्शन भी होता है, ये भी पढ़ चुके हो, और ये कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वही यहाँ पे होगी। तो अगर x इज इक्वल टू -2 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा, -2 होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जहां पे इक्वल टू जो वैल्यू है -2, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू -2 आई है। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये थर्ड पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -1 पे क्या है, ओपन इंटरवल, और 0 पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तो क्या होता है, वहां पे क्लोज्ड इंटरवल होता है, और केवल लेस देन और ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का साइन ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, क्लोज्ड इंटरवल का साइन ऐसे होता है। लेकिन अगर आपको एक ओपन बनाना है एक क्लोज बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, या एक ओपन इंटरवल बनाना है और एक क्लोज्ड बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इधर वाला ओपन है ये वाला क्लोज्ड है। ठीक है, तो देखिए इसको रब कर दीजिए। अब देखिए तो हमने फर्स्ट पॉइंट थर्ड वाला बनाना है जिसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो जो एफ एक्स की वैल्यू होती है पहले आप उस पॉइंट को पे फोकस करिए, तो मतलब वाई इज इक्वल टू भी 0 है और एक्स इज इक्वल टू भी 0 है, वाई इज इक्वल टू भी 0 है और एक्स इज इक्वल टू भी 0 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट बना रहे हैं हम, थर्ड पॉइंट ना। तो यहां पे देखिए ओपन इंटरवल में क्या है, -1, और क्लोज इंटरवल में क्या है, 0। तो अब ये देखिए अगर x इज इक्वल टू भी 0 हो और y इज इक्वल टू भी 0 है तो यही वाला पॉइंट होगा क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, और ओपन इंटरवल पे कौन सी वैल्यू है x की, -1। तो यहां पे हमने बना दिया -1 और ये पॉइंट डाल दिया ओपन इंटरवल में -1 और 0 क्लोज इंटरवल में। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हम फोर्थ नंबर का पॉइंट बना रहे हैं जिसमें x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है 1 पे और ओपन इंटरवल है 0 पे, तो ये वाला पॉइंट है। अब fx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, y की वैल्यू 1 है और x की भी वैल्यू 1 है। पहले यहां ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट पे, ये जो 1 है ये x एक्सिस का 1 है, ये y एक्सिस का 1 है, तो यहां पे जो पॉइंट आएगा ये आपका क्लोज्ड पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, क्लोज्ड पॉइंट है, जो हमने ये 1 बना दिया और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का साइन भी बना दिया। अब इस वाले में x की जो वैल्यू है वो 0 है ओपन इंटरवल में, तो 0 फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 बना दिया और यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं, तो आपको क्लोज्ड इंटरवल का नंबर ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये फिफ्थ वाले पे आ जाइए, fx की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मतलब x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ऐसा कहां पे हो रहा है, देखिए x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू भी 2, ठीक है, तो ये 2 पे हमने क्लोज्ड इंटरवल बना दिया और क्लोज्ड बनाने के बाद 2 लिख के यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल कर दिया। ठीक है, अब 1 पे क्या है, ओपन है, तो x की वैल्यू 1 पे, देखिए तो 1 पे हमने क्या बना दिया, ओपन इंटरवल बना दिया और 2 पे क्लोज्ड बना दिया। जो 2 वैल्यू देखेंगे वो x और y दोनों की देखेंगे, जो fx की वैल्यू होती है fx is equal to 2, एक्चुअली यहाँ पे x is equal to भी 2 देखना है और y is equal to भी 2 देखना है, तो y x is equal to 2 ये हो गया, y is equal to 2 ये हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और क्लोज इंटरवल कर दिया। लेकिन इस 1 को भी बनाना है ओपन इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमने जो पॉइंट बनाया ये ओपन पॉइंट बनाया है, ओपन सर्किल की तरह पॉइंट बनाया है, तो यहाँ पे 1 ओपन में हो गया। अब अगर मान लो इसके बाद कोई पॉइंट होता, सिक्स्थ नंबर का कोई पॉइंट होता, तो वो क्या होता, क्या होता वो पॉइंट, वो पॉइंट हो जाता 2x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये होता, तो fx की वैल्यू हो जाती 3, fx की क्या हो जाती वैल्यू 3, तो fx की वैल्यू 3 का मतलब है कि y की वैल्यू भी 3 है और x की वैल्यू भी 3 है। क्यों, क्योंकि स्टेप फंक्शन में क्या होता है, fx इज इक्वल टू कैसे लिखा है, x लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, ये स्टेप फंक्शन होता है, तो जो ये वैल्यू होगी ये पूरी वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए अगर हमें fx is equal to 3 बनाना है तो मतलब x is equal to 3 और y is equal to 3, तो यहां पे क्लोज्ड पॉइंट बन गया 3 पे। ठीक है, अब 2 यहां पे क्या है, ओपन पॉइंट है, तो x is equal to 2 पे हमने ये ओपन पॉइंट बना दिया, ओपन सर्किल जैसा बना दिया इसको। ठीक है, तो ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब आप देखो कि ये ऊपर के ग्राफ में देखो, ये क्लोज्ड पॉइंट है, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से अगर हम एक लाइन खींचना चाहें तो आराम से एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब लग रहा है, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो सही बन रहा है। अच्छा, ग्राफ में जो आप पॉइंट्स लेते हो, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये तो हमने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, लेकिन आप जब एग्जाम में बनाओगे तो हर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्केल से ड्रॉ करना। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है -1 और -2। fx की वैल्यू -1 है, fx is equal to y होता है, मतलब x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है क्लोज इंटरवल के लिए। अब देखिए -1 कहाँ आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है और यहाँ पे y का -1 आ रहा है, ये -1 -2 -3। ठीक है, तो इस -1 पे और ये y के -1 पे यहाँ पे बन गया क्लोज इंटरवल, तो -1 पे हमने क्लोज इंटरवल का साइन लगा दिया। अब माइन ओपन इंटरवल पे क्या है, सेकेंड पॉइंट पे देखिए -2, ये x की वैल्यू है, तो फिर हमने x वाले में -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने ओपन सर्किल का साइन बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है वो क्या है, fx is equal to -2,
y is equal to minus 2 और x is equal to minus 2. तो देखिए y is equal to minus 2 ये वाला पॉइंट हो गया, x is equal to minus 2 ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहां पे बन गया closed minus 2. तो closed इंटरवल पे minus 2 बन गया और ओपन में क्या बनाना है minus 3. तो x is equal to minus 3 यहां पे है तो हमने ये ओपन में बना दिया. ठीक, अब इससे एक पहले वाला पॉइंट क्या हो जाएगा minus 4, माइनस फोर पे ओपन हो जाएगा और माइनस थ्री पे क्लोज्ड हो जाएगा. तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया. तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली वैल्यू एफ एक्स की है माइनस थ्री. तो देखिए माइनस थ्री वाई पे भी देखना है, माइनस थ्री एक्स एक्सिस पे भी देखना है. तो यहाँ पे बन गया क्लोज्ड माइनस थ्री पे और माइनस फोर पे क्या बन गया ओपन इंटरवल. तो इस तरीके से आप कितने भी पॉइंट्स बना सकते हो. तो ये हमारा ग्राफ जो है बना है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में डिफरेंस क्या हुआ, उसमें क्या होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ग्राफ में कैसे होता था कि जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन. तो यहां पे जो वैल्यू मान लो 1 है और यहां पे 2 है. ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी 1. तो 1 पे हमारा क्लोज्ड होता था और 2 पे हमारा ओपन होता था. लेकिन लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो गया 1 और 2 के लिए ऐसे हो गया x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2. तो क्या बन गया ये 1 पे ओपन और 2 पे क्लोज्ड. तो ये वाली चीज किसके लिए है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए और ये किसके लिए है लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए. ठीक है, तो डिफरेंस भी आप समझ गए. आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.